और शेयर आपने ऐसे भी सुना होगा लेमैन लैंग्वेज में बोले तो शेयरिंग करना है शेयर करना है बांटना है ये सारी चीज़ें आपने इस तरीके से सुनी होंगी तो हम यहाँ पे समझेंगे कि कंपनी लॉ के परस्पेक्टिव से शेयर क्या होता है और ये कितने तरीके का होगा ठीक है क्योंकि इसके बाद शेयर के पूरे शेयर का कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस में वो हम कवर करने वाले हैं वन बाय वन तो शेयर क्या होता है इसको समझना आपको ज़रूरी है तो शेयर को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी कंपनी में एक यूनिट होती है ओनरशिप की वेन यू ओन अ शेयर और शेयर ऑफ अ कंपनी यू आर अ शेयर होल्डर जो शेयर जैसे किसी कंपनी का आपके पास शेयर है तो आप क्या है उस कंपनी के शेयर होल्डर है एंड यू ओन अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी और आप उस कंपनी का एक जो हिस्सा है जितने का आपका वो शेयर का प्राइस है उतना आप क्या करते हो उस कंपनी में ओन करते हो डैट इज वाई कहते हैं आप वहां के ओनर हो गए हो उस पार्ट के ठीक है उस यूनिट के जितना आप वहां पे एक्वायर कर रखे हो शेयर आर ऑल्सो नोन एज स्टॉक और इक्विटी शेयर को हम स्टॉक और इक्विटी भी कहते हैं जैसे कि क्या होता है कंपनी को कंपनी जब बन गई ठीक है पब्लिक कंपनी बन गई आप उसको क्या चाहिए होता है उसको पैसे चाहिए होते हैं मतलब उसको कैपिटल चाहिए होती है जो वो क्या करती है पब्लिक को अलाउ मतलब कहती है कि वो आए और अपने आपके वहाँ क्या करें इन्वेस्ट करें कैपिटल कैसे वो इशू करती है जब वो अपने शेयर और डिबेंचर की इज़ उसकी जो सिक्योरिटीज है उसको पब्लिक को क्या करती है ऑफ़र करती है वो पब्लिक को ऑफर करती है फिर पब्लिक जो भी शेयर हो जैसे उसका एक शेयर का प्राइस मान लो सौ रुपए है तो जैसे किसी के पास ज़्यादा पैसे है तो उसने दस शेयर खरीद लिए उसके सौ सौ के दस शेयर खरीद लिए तो उसने बेसिकली एक हज़ार रुपए के शेयर मार्च से खरीदे अब वहां पे जो जितने भी शेयर खरीदे एक हजार के इसका मतलब उस कंपनी में उस एक हजार रुपए जो उसकी पूरी कंपनी की कैपिटल का कहीं एक छोटा सा हिस्सा है वो एक हजार रुपए उसकी मैं क्या हूं ओनर हूँ उस एक हजार रुपए की इसीलिए मैं कंपनी की क्या हो गई एक ओनर बन गई क्योंकि मैंने उस कंपनी के जो कैपिटल है भले वो कंपनी के कैपिटल करोड़ों में हो उस कंपनी के कैपिटल में मेरा एक छोटा सा पार्ट है वो एक हजार रुपए जो उसका करोड़ों में है वो मेरे हैं तो उस कंपनी की क्या हो गई हूँ मैं ओनर हो गई हूँ उस यूनिट की मैं ओनर हो गई हूँ तो शेयर एक यूनिट होती है ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी वेर यू ओन अ शेयर और अ शेयर ऑफ अ कंपनी यू आर अ शेयर होल्डर अब मेरे पास उस कंपनी के शेयर है तो मैं क्या उस कंपनी के शेयर होल्डर हूँ और मैं उस कंपनी का कुछ पार्ट जो है वो एक्वायर करती हूँ तो आप बहुत सारे लोग शेयर खरीदते हैं कुछ आप भी ट्रेडिंग कर सकते हैं शेयर खरीद सकते हैं किसी भी कंपनी के जिसके आप चाहते हैं तो आप भी उस कंपनी के क्या हो जाएंगे शेयर होल्डर हो जाएंगे क्योंकि आपका उस कंपनी के कैपिटल में क्या है कंट्रीब्यूशन है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर ईच विद इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड राइट हेयर आर सम कॉमन टाइप ऑफ शेयर बहुत सारे तरीके के शेयर्स होते हैं मतलब उनकी अपनी अपनी क्या होती है फीचर्स होती है कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और उनके अपने राइट्स होते हैं मतलब अगर आप शेयर्स को क्लासीफाई कर रहे हो तो किस बेसिस पे कर रहे हो कि किस तरीके के आपको वहाँ पर राइट्स मिल रहे हैं या किस तरीके के उनके फीचर्स हैं तो कुछ कॉमन टाइप के शेयर्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं पहला होता है कॉमन शेयर्स कॉमन शेयर्स क्या होते हैं एक तरीके के साधारण शेयर होते हैं ये जो हिंदी में बोले ठीक है वोटिंग राइट की अगर बात करी जाए तो कॉमन शेयर होल्डर यूजली हैव द राइट टू वोट ऑन इंपॉर्टेंट कंपनी डिसीजन सच एज इलेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सुनने में तो कॉमन लग रहा है लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपको वोटिंग राइट जो है वो दिए जाते हैं मतलब कि कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन में मार्क दिस वट इंपॉर्टेंट जो कंपनी के डिसीजन है वहां पर आपके पास राइट right होता है कि आप वोट करो ठीक है जैसे कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करने कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होंगे जो कंपनी को आगे जाकर रिप्रेजेंट करेंगे जो कंपनी के डिसीजंस लेंगे तो वो कौन होंगे उसमें आप वोटिंग दे सकते हो आपके पास ये राइट right ये देता है अगर आप उस कंपनी के क्या हो कॉमन शेयर होल्डर्स हो डिडेंट दे रिसीव डिविडेंट बट द अमाउंट कैन वेरी एंड देयर इज नो गारंटी डिविडेंड मिलता है मतलब जैसे कंपनी को प्रॉफिट हुआ ठीक है तो जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो क्या करती है बांटती है डिविडेंट के फॉर्म में ठीक है अपने शेयर होल्डर्स को तो मिल सकता है डिविडेंड मिलता है डिविडेंड लेकिन फिक्सड नहीं होता कि मतलब इतना ही डिविडेंड आपको मिलता ही रहेगा ठीक है एक फिक्स अमाउंट कर दिया कि दस हजार का आपको मिलेगा ही मिलेगा तो ऐसा नहीं है अमाउंट वेरी कर सकते हैं अब जितना प्रॉफिट हुआ उस हिसाब से वो डिवाइड करेंगे कोई गारंटी नहीं कि मिले भी ठीक है तो कॉमन शेयर होल्डर में याद रखना वोटिंग राइट दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन में आपको वोटिंग राइट मिलते हैं ठीक है और डिविडेंड मिलता है जिसका अमाउंट जो है वो बैरी कर सकता है ठीक है तो ये था एक पहला कॉमन शेयर का दूसरा है प्रेफर्ड प्रिफर, शेयर ठीक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपने सुना होगा प्रेफर्ड शेयर क्या होता है डिविडेंड प्रायोरिटी होती यहाँ पे जैसे वहां पे क्या था डिविडेंड मिल सकता है कोई गारंटी नहीं होती और कितना मिलेगा वो अमाउंट वेरी करता है लेकिन प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स जिनके पास प्रेफरेंस शेयर होते हैं हैव अ हायर क्लेम ऑन द कंपनी एसेट एंड अर्निंग देन कॉमन शेयर होल्डर इनकी कॉमन शेयर होल्डर के कंपेरिजन क्या होती है ज्यादा क्लेम कर सकते हैं कंपनी के एसेट और अर्निंग पे मतलब ज्यादा इनके ऊपर क्या है राइट right है कि मान लो कंपनी का कोई भी एसेट है या कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसमें सबसे पहले है कि डिविडेंड इनको दो ठीक है इनसे बच जाए अगर पैसा तो फिर कॉमन शेयर होल्डर को दो अदरवाइज उनको मत दो तो ये वाला केस है यहाँ पे तो इनको प्रायोरिटी दी जाती है डिविडेंड में अगर कोई प्रॉफिट हुआ है आपको तो फिर जब बटेगा डिविडेंड तो इनको जो प्रिफर्ड शेयर होल्डर है उनको सबसे पहले दिया जाएगा ठीक है इनका तो ज्यादा क्लेम है नो वोटिंग राइट बट यहाँ पे वोटिंग राइट right इनको नहीं मिलते हैं या फिर लिमिटेड वोटिंग राइट मिलते हैं कुछ केसेस में वोटिंग राइट दिए जाते हैं अदरवाइज वोटिंग राइट नहीं नहीं दिए जाते हैं डिविडेंड डिविडेंड जैसे वहां क्या था जो है वो, नहीं है वो वेरी करेगा अमाउंट लेकिन इनको फिक्स दिया जाता है मतलब जो अमाउंट आपको बता दिया गया इतना आपको दिया जाएगा उतना ही आपको दिया जाएगा प्रोवाइडिंग अ मोर प्रोडिक्ट इनकम स्ट्रीम जिससे क्या होता है इनको कंफर्म रहता है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा तो ये है कौन प्रिफर्ड शेयर वाले नेक्स्ट है ज द ऑप्शन टू बाई बैक देयर फ्रॉम शेयर होल्डर आफ्टर अटेन पीरियड और अंडर स्पेसिफिक कंडीशन रिडेमेबल शेयर होल्डर कौन होते हैं रिडीमेबल मतलब की रिडीम कर सकते हैं मतलब जब आप कंपनी जो है जैसे इनको जब शेयर्स देती है ठीक है जब ये शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के तो कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है ये पावर होती है कि वो उनसे वो शेयर क्या कर लेंगे फ्यूचर में बाय बाय कर लेंगे मैंने आपको शेयर दिए कंपनी के इस कंडीशन पे दिए कि आपको पांच साल तक मैं शेयर दे रही हूँ बात आने वाले पांच साल के बाद मैं आपसे वो शेयर जो है वो वापस खरीद लूंगी और आप वो मुझे दे देंगे तो फिर आप कंडीशन में क्या हो गए सेटिस्फाई हो गए हाँ ठीक है फिक्स करो तो ये हो गया रिडिमेबल रिडिबल शेयर का ये टाइप है तो इसके जो होल्डर रिडेमेबल शेयर होल्डर कहलाएंगे नेक्स्ट है इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी एक शेयर का टाइप है इसका क्या टाइप है इम्प्लॉय इंसेंटिव कंपनी में ऑफर शेयर टू इंप्लॉय एज अ पार्ट ऑफ देयर कंपनसेशन पैकेज कभी कभी क्या होता है कंपनसेशन पैकेज में आपको कंपनी जो है वो अपने शेयर देती है तो वही है इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कि इम्प्लॉय को दे रहे हो आप जब आप उसको कंपनसेशन उसकी तैयार कर रहे हो कितनी सैलरी देंगे क्या 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 आपको बेनिफिट देंगे उसमें आपको एक शेयर्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं जिसे कहते हैं ईएसओ ऑप्शन टू बाय एम्प्लॉयज आर गिवन द ऑप्शन टू बाय कंपनी शेयर एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस विद इन इनिफिट स्पेसिफाइड पीरियड और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे इसमें ई एस ओ में आप कंपनी को ऑफर उफ, करती है कंपनी इंप्लॉयज को कि वो उनका क्या कर पाए शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो वो खरीदें और उनके पास ऑप्शन होता है कि वो एक जो पहले से डिसाइडेड प्राइस उस उसपे खरीद सकते हैं पता ऐसा नहीं कि मार्केट में जो चल रहा है उस हिसाब से आपके लिए पहले से ही प्राइस डिटरमाइंड होगा और एक टाइम लिमिट डिसाइड डिटरमाइंड होगी उसमें आप क्या कर सकते हो जो भी शेयर जो कंपनी आपको ऑफर कर रही है उससे आप क्या कर सकते हो परचेज कर सकते हो तो इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन था वो नेक्स्ट है ट्रेजरी शेयर रीपर्चेज शेयर शेयर एट व प्रीवियसली इशूड एंड हैव बीन रीपर्चेज बाय द कंपनी दिस शेयर डू नॉट पे डिविडेंड एंड डू नॉट हैव वोटिंग राइट और तो ट्रेजरी शेयर क्या होते हैं ये रीपर्चेज शेयर होते हैं मतलब पहले आपने कंपनी ने इसको इशू किया होगा उसके बाद उसने क्या होगा उसको ही दोबारा से परचेज कर लिया मतलब किसी और ने नहीं परचेज किया कंपनी ने ही उसको दोबारा से इशू करने के बाद जो करे थे उसको परचेज कर लिया तो कंपनी के पास ही अब वो शेयर आ गए वापस इसीलिए भाई जब कंपनी ने ही खुद ही इशू करे खुद ही खरीद लिए है तो उसमें ना ही कोई आपको डिविडेंड देना है और ना ही आपको कोई वोटिंग राइट है इसमें ओके नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल शेयर कन्वर्टेबल शेयर्स क्या होते हैं जिसको आप कन्वर्जन का ऑप्शन होता है ठीक है होल्डर कैन कन्वर्ट देयर कन्वर्टेबल शेयर इनटू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉमन शेयर यहाँ पे जो होल्डर होता है वो अपने जो भी कन्वर्टेबल शेयर है उनको कुछ कॉमन शेयर में कन्वर्ट कर सकता है अच्छा कॉमन शेयर क्या होते हैं जो हमने उससे पहले पढ़ा था जिनमें आपको वोटिंग राइट right मिलता है ठीक है स्पेशल वोटिंग राइट मिलता है कि आप इंपॉर्टेंट जो भी आ, मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजीजनस हैं कंपनी के जैसे बोर्ड और डायरेक्टर को इलेक्ट करना है, इन सारी चीजों में इंपॉर्टेंट मैटर में क्या कर सकते हो वोटिंग कर सकते हो तो वो होते हैं कॉमन शेयर तो अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी का कॉमन शेयर जो है कॉमन स्टॉक जो है वो बढ़ रहा है ठीक है उसका प्राइस बढ़ रहा है अब उसके मार्केट में जो भी वैल्यू है वो बढ़ गई है और आपके पास क्या है कन्वर्टेबल शेयर है जिसका एक स्पेशल फीचर क्या है कि आप इनको कन्वर्ट करा सकते हो कुछ कॉमन शेयर्स में जो भी आपको है कि मतलब तो जब आप कन्वर्टेबल शेयर ले रहे होते हो तो बता सकता है आपको कि आप इत, इसको जब कन्वर्ट कराओगे तो आपको इतने कॉमन शेयर्स जो है वो मिलेंगे तो अगर आपको लगता है कि भाई फायदा है कंपनी जो है वो अच्छा कर रही है उसका जो रेगुलर स्टॉक है वो बढ़ रहा है उसका प्राइस बढ़ रहा है कॉमन शेयर का और आपको लग रहा है कि यार मैं अपने कन्वर्टेबल शेयर को इस कॉमन शेयर में कन्वर्ट करा लूँ इससे क्या होगा मेरा जो प्राइस है कॉमन शेयर का वो भी अच्छा खासा जो बढ़ा हुआ है वो वाले शेयर मुझे मिल जाएंगे और मुझे वोटिंग राइट भी मिल जाएगी तो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे देती है कंपनी कि आप उनको कन्वर्ट करवा सकते हो तो इससे क्या है आपको बेनिफिट जो है वो मिल जाता है इन्वेस्टर को अगर उसको लग रहा है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है और उससे वो क्या कर सकता है फायदा उठा सकता है तो फिर वो क्या करेगा फायदा उठा लेगा कुछ नेसेसरी स्टेप होंगे कन्वर्जन के लिए जो आपको फॉलोअप करने होंगे और उसके बाद आपका शेयर जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आप एक कॉमन शेयर होल्डर बन जाएंगे जिसके पास राइट्स होंगे प्रिविलेज होंगे जो कॉमन शेयर से एसोसिएटेड है ठीक है और ये है आपका क्या कन्वर्जन शेयर वाला ऑप्शन जो आपको मिलता है कन्वर्टेबल शेयर नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टेबल जो इसके बिल्कुल क्या होगा अपोजिट होगा उसको देखते हैं नॉन कन्वर्टेबल मतलब कोई कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है जैसे जो आपने लिया है वही रहेगा आप उसको किसी भी टाइप्स में कन्वर्ट करवा नहीं सकते हो तो ये था आपका टाइप्स ऑफ शेयर्स और वो था आपका मीनिंग जो हमने डिस्कस किया आई होप आप समझ पाए ठीक है so, तो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे थैंक यू